अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र के कोने कोने से सब शिक्षक जमा हुए और यह शिक्षक अब रास्ते पर उतर के तकरीबन 8 दिनों से नासिक से निकली पदयात्रा भिवंडी में पहुंची है। महाराष्ट्र राज्य रोजगारी वर्ग 3 और वर्ग 4 के सारे कर्मचारी विनंती पत्र लेकर अब मुंबई के ओर रवाना हो चुके हैं। बता दें कि मंत्रालय में जाना इनका उद्देश्य है और इनकी प्रमुख मांगे हैं जो यह बताई जा रही है कि मई 25, 2023 को जो आदिवासी विकास विभाग की ओर से पत्र जाहिर किया गया था उसे रद्द किया जाए और 10 साल से कार्यरत जो रोजगारी वर्ग 3 और वर्ग 4 में लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम पर वापस लिया जाए। साथ ही में उनकी यह भी मांग है कि शैक्षणिक वर्ष सन 2022 और 2023 में कार्यरत रहे सभी रोजगारी वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को शैक्षणिक वर्ष 2023 और 2024 में रोजगारी आदेश प्रदान करें। साथ ही में हम आपको बता दें कि 10 वर्ष में कार्यरत रोजगारी वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को 10 वर्ष पूर्ण होने तक शासन सेवे में रहने का उनको आदेश दे, वहीं उनके वेतन में बढ़ोतरी लाए। ये सारे मांगों को लेकर यह सारे कर्मचारी और शिक्षक जो रास्ते पर उतरे हैं, नासिक से निकला यह विराट मोर्चा अब भिवंडी में पहुंच चुका है। आज की ताज़ा खबर हम आपको यह बता दें कि यह विराट मोर्चा अभी भिवंडी में स्थित है और पुलिस प्रशासन ने यहां पर कड़ा बंदोबस्त लगा कर रखा है क्योंकि इस मोर्चे को अब आगे जाने देना नहीं चाहती पुलिस। हम आपको बता दें कि अब यहां से एक शिष्टमंडल तैयार किया गया है जिसमें 10 से 11 लोग शामिल है और यह शिष्टमंडल मुंबई सह्याद्री पर यह शिष्टमंडल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत होगी, बैठक होगी और उस दरमियान यह सारी मांगों को माना जाता है कि नहीं यह सारा बात वहां पर होगा और उसके बाद यह मोर्चा स्थगित होगा या नहीं यह डिसाइड किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में देखा जाए तो 8 दिन तक यह सारे जो कर्मचारी और जो शिक्षक हैं यह तकरीबन 8 दिनों तक नासिक से भिवंडी तक का सफ़र इन्होंने पैदल तय किया हुआ है। रास्ते में इनके साथ कुछ अनुचित प्रकार भी हुआ लेकिन हम आपको बता दें कि अब यह पूरा जो इनका कर्मचारियों का जो मोर्चा है वो भिवंडी में आ धमका है और इसके आगे वो ठाणे और मुंबई जैसे शहरों को टच करेगा और साथ ही में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इन्होंने आत्मदहन करने का भी निश्चय किया हुआ है जिसका इशारा वो बार बार अपने बयानों में देते आ रहे हैं। मंडळ 2 वाजता सह्याद्री इथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत बैठक होईल। बैठक झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा इथे येऊ, आमच्या मोर्चेकरांना भेटू, मोर्चेकरांना चर्चा करू आणि चर्चा झाल्यानंतर आमचं आंदोलन चालू राहील की थांबेल या संदर्भात आम्ही पुन्हा एकदा प्रेस कॉन्फरन्स किंवा आपल्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना कळू। परंतु आज आपले जे CM आहेत यांनी आम्हाला जो शब्द दिलेला आहे तर आमची आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याकडनं फार मोठी आशा आहे की आमची मागणी ही 100% परिपूर्ण करतील, पण त्यामध्ये जर काही बिघाड झाला तर मात्र यानंतर आम्ही कुणाचंही ऐकणार नाही। आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळावर कर्मचारी आहेत वर्ग 3 वर्ग 4, आमच्या अशा मागण्या आहेत की 25 मेला जे बाह्य स्वतःचे पत्र काढले ते रद्द करण्यात यावं व आतापर्यंत जे कर्मचारी कार्यरत आहेत त्यांना शासन सेवेमध्ये संरक्षण देण्यात यावे आणि आमच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात यावी अशा आमच्या मागण्या आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या काहीच म्हणणं नाही की बाबा अजून आम्हाला काय शासनाने असं काही करावं, पण या मागण्या जर आमच्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही मात्र हा लॉंग मार्च हा मोर्चा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही। आम्ही मंत्रालयापर्यंत जाणार आहेत आणि मग मंत्रालयामध्ये पोहोचल्यावर आम्ही आत्मदहन करणार आहेत, तिथे आम्ही कोणीही मागे हटणार नाही आणि आत्तापर्यंत आमची सर्व कर्मचाऱ्यांची एकजूट आहे, आम्ही एकीने चालणार आहेत आणि पुढेही आम्ही एकीनेच निर्णय घेणार आहे, याच्यामध्ये जराही काही बदल होणार नाही। म्हणून सरकारने आमच्या मागण्यांचा विचार करून आम्हाला लवकरात लवकर निर्णय द्यावा। Yeah.
स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।